हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो ये लास्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं मैथ का, इसके बाद कोई मैथ नहीं होगा। खाली अब 12 तारीख को एक दिन मैं आपको करंट्स अफेयर की 1 सेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको मैं आपको जो 12 तारीख को होगी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं बोल रहा था रगा की, एक मॉक टेस्ट करा दूंगा लास्ट में, और एक इंग्लिश की मॉक टेस्ट करा दूंगा 12 तारीख को। 3 वीडियोज कल के लिए। आज मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, मैंने वाई ग्रुप की मैथ की जो क्लासेस करा रही, जो सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला, उन फॉर्मूलों का रिविजन करा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। 4 नंबर इस वीडियो से आपका कन्फर्म है, तो 4 से 5 नंबर 100% मैं बोल रहा हूँ, 4 से 5 नंबर कन्फर्म है इस वीडियो में। जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उस कंसेप्ट पे 100% सवाल आने वाले हैं। इसके बाद में एक रीजनिंग की सवाल लाऊंगा जिसमें से कि आपको 10 नंबर गारंटेड मिलने वाला है। वह बोल के 10 नंबर आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको ले चलते, बाकी फिक्स प्रिपोजिशन का जो टॉपिक रहेगा आज उसको खत्म कर लेंगे हम लोग। तमाशा है तो पूरा कर लेना, बाकी 13 तारीख को जंग लड़ना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी ये सभी जो PDFs होती है ना, जो फ्री वाली जो YouTube पे मैं कराता हूँ क्लासेज, उनकी PDF हम लोग टेलीग्राम पे दे देते हैं। तो बाकी टेलीग्राम पे क्यूजेस वगैरह डालते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत VBI होते हैं, वोकैबुलरी डालते हैं हम लोग टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सर्च करना @ATOZStudy मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाकी एक चीज़ मैं कहूँ, अगर आप एक्स ग्रुप से हो चाहे वाई ग्रुप से हो, अगर आपने हमारी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी की PDF से पढ़ के प्रैक्टिस करके नहीं गया ना, तो थोड़ा सा तैयारी में अधूरा है आपका। एक बार पढ़ लो, आंख बंद करके मैं भरोसा करके पढ़ लो, उसके बाद आप जब आओगे तो खुद आपका जो रिस्पॉन्स होगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा आप खुद समझ में आ जाएगा। बाकी रीजनिंग की 100% चीज़ें हमारी PDF के कंसेप्ट से आएंगी, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस भी होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और मैथमेटिक्स की भी PDF है इसके अंदर, जो चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। 100% मैथ के कंसेप्ट यूज़ होंगे आपके एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ 100%, 1% भी नहीं छूटेगा आपका। मैथ और रीजनिंग के सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आते हैं, वोकैबुलरी आती है PDF से, करंट अफेयर और जीके आएंगे। सारे PDFs को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करोगे, प्राइसेज हाई है थोड़ी, ठीक है, मतलब ज़्यादा है इसकी, लेकिन PDF पे कोई डिस्काउंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। सारी बैचेस पे हमने डिस्काउंट कर दिया, वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट पे भी डिस्काउंट दे दिया मैंने, जो 120 रुपये की थी, हमने कहा चलो ठीक है, सारे लोग 100 रुपीज में बाय करके आराम से एग्जाम से पहले जाओ, जिसका लास्ट में अब एग्जाम है। ATOZ स्टडी पे आपका है मॉक टेस्ट का, लेकिन ये सारे PDFs हैं, प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि PDF सबसे अलग होता है। ये क्यों अलग है मैं बता रहा हूँ ना, कि वो एग्जाम के बाद खुद समझ में आ जाएगा। इनको बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, और PDF को बाय करके जितना जल्द से जल्द जो चीज़ें कवर हो रही है कर लो आप, क्योंकि PDF नहीं वो आइटम बॉम है, डेट इज क्लियर। अब एग्जाम के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं भाई बहुत सारी चीज़ें बताता नहीं, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि खुलेआम कुछ चीज़ें नहीं कह सकते हम लोग। देखो ये कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 36:25 का अनुपात है। ये जो सवाल है यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 100% आएंगे सेम कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन आपके सेप्ट में आने वाला है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल है कितना भाई, 36:25 के रेशियो में, उसकी पैरामीटर के बीच का रेशियो बताओ। देखो मेंस्ट्रुएशन का मैंने एक सिंगल वीडियोज के अंदर पूरा कंप्लीट नहीं, 2 वीडियोज के अंदर मैंने मेंस्ट्रुएशन की क्रैश कोर्स कराई थी। ये चीज समझ लो यहाँ पे क्या सीन है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लो पहले वाले का A1 है तो A² हो जाएगा, दूसरे वाले का A2 है तो A² होने का रेशियो दे रखा है 36:35। अगर रूट उस साइड जाएगा तो A1/A2 क्या बन जाएगा बताओ, √36/√35, दैट इज 6:25 है भाई ये, वही तो मैं कहूँ रेशियो से बाहर नहीं निकलेगा, ये 25 है तो 5 बन जाने ये। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने क्या दिया, A1 को 6 दिया, A2 ने क्या दिया 5 दिया, और कुछ दिया चाहे नहीं, 6 और 5 दिया। तो ये A1 A2 क्या है, एक स्क्वायर के एक एक साइड हो गए, ये मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया था आपको, तो स्क्वायर के एक एक साइड हो गए। तो उनकी परिमिति का रेशियो बताओ, पैरीमीटर क्या होता है भैया, पैरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 × A होता है, तो 4 × A / 4 × A तो 4 फुट कट जाएगा। A1 और A2 क्या कर लोगे, 6/5। क्या कुछ अलग मिला जिंदगी की, नहीं या पार लगी, नहीं, 6:5 पे ही आके टक गई हमारी जिंदगी। तो ऑप्शन नंबर B इसकी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 फॉर्मूला मैंने यूज किया, एक डायगोनल से रिलेटेड होता है, डायगोनल से भी सवाल आएगा, जो इसके अंदर मैंने नहीं डाल रखा, ठीक है। डायगोनल का मैंने मेंसुरेशन में करा रखा था, वहां से चीजें हैं। मेंसुरेशन जिसने नहीं पढ़ा एक बार क्रैश कोर्स को देख लो, जिसका 13 तारीख को है वो मत देखना, 14, 15, 16 को एग्जाम है, जाके क्रैश कोर्स देख लो। जिसका 13 को है ना वो बस 11 तारीख को सारा रिवीजन कर ले, 12 तारीख को बस 2-3 वीडियो यूट्यूब पे आएगी उनको लगा लेना बस, बाकी रिलैक्स रहो एग्जाम के एक दिन पहले, एकदम रिलैक्स, प्रेशर नहीं लेते भाई, ठीक है, प्रेशर लोगे तो काम बिगड़ जाएगा। आया कह रहा है, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए की त्रिज्या क्या है, इस पहिए की ऐसे की तैसी, ठीक है, ये 100 चक्कर लगाया का है, तो इसमें त्रिज्या इसका पूछ रहा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या, इसकी बिंदु और रेखा जो भी सब इसकी, और हमको खोजना पड़ रहा है।
देखो पहली बात ये मान लो हमारी जो है साइकिल की है ये पहिया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये पहिया एक चक्कर लगा देगी तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो इस पहिए को मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ दूंगा, इसके ट्यूब को काट के लंबे बिछा दूंगा। तो अब बताओ ट्यूब की लंबाई जितनी रहती है ठीक है उतना ही चक्कर लगाएगी, क्योंकि जब हम लोग इसको मोड़ेंगे तो अगेन गोल बनेगा और इसकी लंबाई जो होगी वही एक चक्कर होगी। तो लंबाई कितना होगा भैया, ये चक्कर का लंबाई कितना होता है? तो इसको हम इंग्लिश में परिधि कहते हैं, सॉरी हिंदी में परिधि कहते हैं। ये इसका किसी का नाम नहीं है, इसके बाहरी आवरण का नाम है परिधि, जिसको अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहते हैं। उसके सरकमफेरेंस की फॉर्मूला होती है 2πr। तो एक चक्कर में ये 2πr डिस्टेंस की तय कर लेगा दूरी। तो एक चक्कर में मान लो डिस्टेंस तय करेगा 2πr, लेकिन ये कह रहा है एक चक्कर नहीं तो 100 चक्कर लगा रहा है। तो 2πr इंटू 100 चक्कर में ये कह रहा है 22 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगा। और कह रहा है ना ये बताओ, मीटर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बदल जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ये लॉजिक समझना, अदरवाइज सवाल के जवाब ही नहीं आएंगे आपके। 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन करते रह जाओगे करते रह जाओगे, फिर कहोगे भाई रगा में तो टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, जब टाइम नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे, 2 साल पहले का ओल्ड शायरी को आप लोग फिर से ट्रेंड में लाओगे। वो शायरी याद है ना, हमें तो रागा ने लूटा इंग्लिश में कहाँ दम था, हमें तो रागा ने लूटा इंग्लिश में कहाँ दम था, हमारी किस्ती थी वहां डूबी जहाँ टाइम ही कम था। तो रागा में टाइम का इशू रहता है, तो ये चीज समझना। बाकी देखो 2 × 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं है, 100 कर दो मल्टीप्लाई साथ में इनके, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 22 × 1000, बहुत बड़ा वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 22 की उस 22 से हम लोग कटा के जिंदगी खत्म कर देंगे, इस 100 का 00 कटा देंगे यहाँ से, और ये 2 की 10 को कटाओगे 5, तो R बराबर हो गई 5 × 7 बराबर 35 मीटर। ये पहिया जो है ना 35 मीटर रेडियस लेके घूम रहा है भाई, इतनी औकात इसकी। आगे बढ़ते हैं, 35 मीटर रेडियस का कहाँ से लेके आते हैं ये लोग यार? ये देखो ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 डेज में कर लेते हैं। अब कह रहे तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर लेते हैं, ले बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? थोड़ा सा इस सवाल के अंदर जज्बाती हो जाओ। एक बात बताओ, लेकिन जज्बाती नहीं होना, एक चीज बताओ, मैं अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास ना ए प्लस बी मिल के कितने दिन में कर रहे हैं, 40 डेज में, तो 1/40 लिख दो, बी प्लस सी जो बाई है 1/36 डेज, और ये तीनों मिलके चौटा लोग कितना दिन में कर रहा है, ए बी सी मिल के कहता है 24 डेज के अंदर कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके अंदर कह रहा है, तुम बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी को अकेला करना, बी को सिंगल कर देना, बाकी दो लोग अपने मिंगल रह जाएंगे। तो इस बी को हटाने के लिए इन दोनों को जोड़ के ए बी सी को उसमें से घटा देते हैं, क्या करेंगे हम लोग, 1/40, 1/36 को जोड़ दो, बाकी जो तीनों मिलके जो करते हैं ना उनको घटा दो, तो बी बेचारा अकेला मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका 40, 36, मेरी हैंड राइटिंग जरूरत से ज़्यादा गंदी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब देखो इन सबका 40, 36, 94 का एल्शियम कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 40 से 9 बार में 336 कट जाता है, 36 से ये कट जाएगा 10 बार में, और ये 24 से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में तो कटेगा नहीं, फिर 5, 5 से 20 तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, 19 − 15/360 ये हो जाएगा कितना, 4/360, ये कट के हो जाएंगे 90, तो 1/90। तो जब हमने भैया यहाँ पे 40 को 1/40 कर रखा था, 36 को 1/36, इसको 1/24, तो इसको क्या कर लेंगे, 90 कर लो, 90 को 90 डेज के अंदर भी अकेला काम को करेगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मजाक मजाक में मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना। जब भी ऐसा सवाल देना कि तीन लोग मिलकर कर रहे हैं, दो लोग का अलग दे रखा है, तो दो लोग की वैल्यू को जोड़ो और तीसरे वाले को उसके अंदर से घटा दो, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं 2 पाइप एक टंकी से जुड़े हैं। ठीक है, 2 पाइप एक टंकी से जुड़े हैं, पहला पाइप इसे 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसको 12 घंटे में भर सकता है। यदि एक रिसाव की वजह से 8 घंटे में टंकी खाली हो रही है, तो बताओ टंकी भरने में पाइप जो है ना, सभी पाइप एक साथ कितना समय लेंगे? तो पहला जो है 10 घंटे में, तो क्या करोगे, 1/10, दूसरा 12 में तो 1/12, तीसरा भाई 8 घंटे में तो खाली कर रहा है, तो उसको खाली वाले को माइनस करते हैं, जब वो खाली कर रहा है, वो नकारा सा बच्चा है घर का, तो उसको माइनस करो। ठीक है, उसको काउंट ही नहीं करते, देखते हो ना पार्टी वार्टी में जाना है, नकारे निकम्मे को हम छोड़ देते, तो उसको भी माइनस करके छोड़ दो, दो लोगों को जोड़ दो, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12 और 120 हो जाएगा।
120 से 10 से 12 बार में जाएगा, 120 नहीं है 12 बार में डिवाइड हो जाएंगे, और 12 से 10 बार में हो जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा 15 8, ठीक है, ये हो जाएंगे कितने भाई 22 माइनस 15 बटा 120, तो 7 बटा 120, अब इसको उल्टा करेंगे ना तो 120 बटा 7 आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, आप तो कंसेप्ट सारा क्लियर होगा आपका, जब कंसेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, कह रहे देखो वही चीज़ है, टाइम एंड वर्क पे मैं फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम से दो सवाल आ जाते हैं तो फिर बच्चे छोड़ देते हैं, तो दो सवाल को छोड़ना नहीं है। मेंसुरेशन से भी एक सवाल आता है, तो तीन सवाल तो इसी 5 क्वेश्चन से आने वाले आपके। फिर कह रहा है किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी ना 8 दिन लगाते हैं, ए और बी 8 दिन, बी और सी इसको 12 दिन लगाते हैं, ए और सी मिलके 16 दिन, ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब जब भी सवाल ऐसा थे कि दो दो लोगों का पेयर बना दे और किसी एक की वैल्यू के बारे में पूछे, तो ए को पूछ रहा है, तो जिसके अंदर ए नहीं है उसको माइनस करा लो। ओके, ऐसे कैसे सर, ऐसे ही होता है, क्या लिखोगे 2/1/8 प्लस, अब ये ऐसे ही होता है ना, 2/1/d1 1/d2, ठीक है, -1/d3 ऐसे वाला फॉर्मूला होता है। चलो ये तीनों पेयर में है ना दो दो के, इसलिए ऊपर 2 लिखते हैं हम, क्यों, क्योंकि वापस अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2a+2b+2c, और देन 2 को कॉमन लेंगे तो 2 into abc निकल जाएगा, और ये वैल्यू इधर जाके फिर उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिख करते हैं, पहले वो सभी चीज़ों को हम लोग लिख ले रहे हैं, तो उतना लेंदी प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े, ठीक है। तो 2 बटा हो जाएगा ये 1/12, ये तो 12 को माइनस कराना बिकॉज इसके अंदर ए नहीं है, ये हो जाएगा 16 और ये 12 को माइनस करा लो, बताओ इनका एलसीएम क्या हो जाता है 8, 16 और 12 का, 16 2 32 तो नहीं होगा भाई, 16 × 3 = 48, 12 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, ठीक है 48 हो जाएगा, और 16 × 3 = 48, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं थोड़ा इस तरीके से पढ़ रहा था, आप क्या पढ़ोगे 8 6 = 48, 16 3 16 3 = 48, 12 4 = 48, हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, हम लोग कहते हैं 8 6 = 48, 12 3 = 48, 16 3 = 48, 16 3 = 48 ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले मुँह थाकेंगे कि कर क्या रहा है ये लड़का, ठीक है ना। तो ये 12 × 4 होता है 48, ये क्या हो जाएगा भाई 2 × 48 ऊपर जाएगा, तो ये 6 3 9 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 × 2 96/5 days, तो 96/5 दिन के अंदर ए भैया अकेले इस काम को निपटा रहे होंगे, चीज़ें समझ में आई। तो ये हो गया 96/5 days, ए भाई अकेले 96/5 days के अंदर काम को ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में कुछ नहीं था, अगर आपने बना लिया बढ़िया, नहीं बनाया इसका मतलब अभी लास्ट टाइम में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जॉब प्लेलिस्ट में मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा रखी है, मैं ये तो कहूंगा नहीं कि लास्ट के 4 दिन बैठे हैं आ जाओ हमारे पास कोर्सेज ले लो, मैं मेरे से बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो कोई, यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, टाइम एंड वर्क प्लेलिस्ट में सर्च करो या फिर सर्च करो टाइम एंड वर्क बाय A2Z स्टडी ट्रिक्स के साथ पढ़ा रखा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम के लिए। 6 नंबर देखो, अगर आपका एग्जाम 16 17 को है तब ये चैप्टर के पढ़ना, अदरवाइज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 दिन में आप नहीं सीख पाओगे। कह रहा है ये किसी संख्या को, ये ना 1005x4 को ना 8 से पूरी तरीके से डिवाइड की जाती है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो जब भी कोई चीज़ को हम 8 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना, 8 से डिवाइड करते हैं तो उसका लॉजिक जानते हो, 8 क्या है 2 का क्यूब है 8, तो जितना 2 का पावर है उतने लास्ट से उतने डिजिट ना 8 से अगर कट जाते हैं तो ये पूरा वैल्यू 8 से कट जाएगा, तो 2 के पावर 3 है तो लास्ट के 3 वैल्यूज 5x4 ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब कह रहे हैं सबसे छोटा पूर्णांक लो, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा वैल्यू क्या है इसके अंदर 0 है, तो हम x की जगह पे 0 लेके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो उसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, मान लेंगे अगर 0 पे आ जाए तो मजा आ जाएगा ना फिर हमारे लिए, तो 8 से डिवाइड करके देखो 8 6 48 और हो जाएगा ये कितना भाई 8 3 24, ये कट गया बिल्कुल भी, ले भाई हो गया, x की वैल्यू हो गई 0, बधाई हो हमारे घर कुछ नहीं हुआ, 0 मिला, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल, देखो ये सवाल अंग्रेजी में है, ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं, इंग्लिश है, एयरफोर्स में जा रहे हो तो इतना पढ़ सकते हो, इसके ट्रांसलेशन करना छूट गई होगी। कह रहा है इफ x y z are 3 integers, मतलब xyz 3 पूर्णांक है, such that x + y = 8, ठीक है, y + z = 13, z + x = 17, देन बताओ x² / yz की वैल्यू क्या होगी। सवाल बड़ा ईजी है, थोड़ा सा ना दिल थाम के बैठो, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, x + y = क्या होता है 8 होता है,
और वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है 13 होता है, जेड प्लस एक्स बराबर क्या होता है 17। अब तीनों भाई को जोड़ो, मिलजुल के जोड़ेंगे, देखो क्या है, आप भी जोड़ो हम भी जोड़ेंगे, चलो सखी जोड़ा जोड़ी करते हैं। एक्स और एक्स दो बार एक्स है, वाई वाई दो बार है, जेड जेड दो बार है, तो सब चुट्टा लो, दो 2x 2y और 2z बन जाएगा, ठीक है, सब पेयर में आ गए, ये इनको अकेले डर लग रहा था खेलने में। अब इधर भी जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 17 और 13 कितना होता है 30, और ये 8 38 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे अगर, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 38, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 से डिवाइड कटा दो, यहाँ पे 19 मिल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर जेड, ये तीनों मिलके कितने आ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19। अब देखो यहाँ से ना तीनों का हम औकात पता करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो x प्लस वाई की जगह अगर हम 8 रख दें तो जेड की औकात मिल जाएगी, जेड बराबर हो गया 11, ठीक है। फिर x प्लस वाई प्लस जेड में क्या दे रखा है भाई 19, और यहाँ पे कह रहा है y प्लस जेड बराबर 13 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, देन यहाँ पे यहाँ बता रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 19, तो फिर इस बार दे रहा होगा जेड प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो वाई बराबर हो जाएगा 17 घटा लो वाई बराबर 2 हो गया, ठीक है भाई बहुत खूब। चलो कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड निकालो, एक्स की वैल्यू क्या निकाला हमने 6, तो 6 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 11, 2 के टेबल से तीन बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 18 बटा में 11 है क्या आपके साथ, आपके पास ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलो ठीक है ना, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, देखो कुछ भी नहीं है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग है ना ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, खाली स्पीड मेंटेन रखना है इसके अंदर, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस बचपन में जो जोड़ घटाव करते थे वही है, देखन में छोटल लगे घाव करे गंभीर, कुछ चीज़ें छोटल लगती है देखने में वो घाव करते गंभीर, देखन में लेंदी कर लेगी सुने हो ना, देखन में लेंदी लगे लेकिन मजा आए जैसे पनीर, तो वही चीज़ है, तो पनीर की तरह सवाल है ये, तो मतलब कुछ नहीं है, एकदम मजेदार सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखो, कह रहे यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये बताओ। ये जो सवाल है ना मैं बता रहा हूँ आपको, ये इतना इजी लग रहा है लेकिन इसमें बोल रहा हूँ मोर देन 90% बच्चे इसको गलत करते हैं, रियली मैं बोल रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे भले आप बना दो जोश जोश में कि हाँ आपने बोल दिया गलत करते हैं, हम तो पूरा टाइम लेके इसको सही करेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में बगल में जो टाइमर चलता है ना, टाइमर देवता चलते हैं, वो हड्डी पसली एक कर देते हैं, ठीक है, आपको आपका आधा आधा दिमाग तो वही ले लेता है टाइमर, तो उस प्रेशर में आगे इसको आप कुछ और गलत कर दोगे, आपके दिमाग में पता है क्या आएगा, अच्छा लागत मूल्य पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, चलो ठीक है कॉस्ट प्राइस हो गया 100, सेलिंग प्राइस हो गया 20, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 20 का, तो चलो ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं 100/120×100 करके कुछ कुछ आंसर निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है 2×6=12 और ये हो जाएगा कितना 2×5=10, तो उनका आंसर ही नहीं आ पाता ऐसे ऐसे, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होता है उस सिचुएशन में, क्या करना नहीं है ये सभी चीज़ें, बट मैं बेवकूफ़ी कर रहा था, मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, बस मजे ले रहा था आपके साथ। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कॉस्ट प्राइस पे 20 लागत मूल्य पे 20% का प्रॉफिट है, तो ये चीज़ हमने सही लिखा, कॉस्ट प्राइस तो 100 है, सेलिंग प्राइस क्या 120 है, लेकिन ये कह क्या रहा है, देखो अगर कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो ठीक है हमने लिख दिया 120, ठीक है सेलिंग प्राइस हो गई हमारी, लेकिन बिक्री मूल्य पर प्रॉफिट कितना परसेंट है, लाभ का प्रतिशत बताओ भैया, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20 का, 20% का, तो सेलिंग प्राइस का ये 20 कितना प्रतिशत है, तो 20 जो है किसका, सेलिंग प्राइस का, तो 120 का कितना प्रतिशत है, तो 20 से ये कितने बार में 6 बार में कटेगा, तो ये 50/3, तो 50/3% है, 20 कह रहा ना कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, क्वेश्चन को कहते हैं ना कि मतलब वही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा दिया इसके अंदर और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ये सवाल कहते हैं ना कुछ लोग सर इतना ये सवाल तो आता ही नहीं एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ ना अभी रिसेंटली मैंने CPO दिया था, ये सवाल आया था, मतलब इसी पे बेस्ड आया था, मैं तो पेन भी नहीं उठाया, क्वेश्चन देखते देखते आंसर कर दिया, वो बात अलग थी, लेकिन FCAT दिया था एकदम सेम पैटर्न पे एक सवाल दिया हुआ था, तो मत थोड़ा सा उड़ा करो कि इस पे नहीं आएगा, एयरफोर्स देगा भाई, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, कह रहा है 5 वस्तुओं का कॉस्ट विक्रय मूल्य, तो 5 का सेलिंग प्राइस जो है ना वो 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 3/5, तो कह रहा भाई बताओ कि तुम्हारे खरीदा इसको कितने में, तुमने 5 रुपीज में खरीदा, सेल कर दिया 3 रुपीज में, तो आपको कॉस्ट प्राइस 5 थी आपकी और सेलिंग प्राइस 3 थी, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो कहोगे प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हो आप, ठीक है तो ये लॉस हुआ है,
क्यों? क्योंकि खरीदे 5 रुपए में, बेच दिए 3 रुपए में, तो 2 रुपए का लॉस हुआ ना। तो ये बताओ कितना रुपया का, कितना प्रतिशत का लॉस हुआ? तो 2 रुपए जो है ना कॉस्ट प्राइस का कितना है, तो 2/5 × 100। जनरली जब प्रॉफिट लॉस पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस पे कहते हैं, जब तक ये ऐसा बेहुदापन ना करे कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट का परसेंट बताओ, जब तक इस तरीके से शर्त ना रखे तब तक कॉस्ट प्राइस पे निकालो। ये 5 × 10 मतलब 40% का, ठीक है, 40% की जो है लॉस हुई है अपने को। तो ये चीज़ें समझना, हो सकता है 40% 40% दो ऑप्शन में रहे और पहले प्रॉफिट कर दे, बाद में नीचे वाले में 40% लॉस, और जोश में ना हो, देखा ना था, कर दिया ऑप्शन ए को आंसर प्रॉफिट वाला, तो फिर मिल जाएगा आपको भी, वो भी ना देखेंगे आओ ना देखेंगे ताओ कर देंगे ले -0.25, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जोश में आंसर नहीं करना, ऑप्शंस को बहुत बढ़िया देखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन समझ जाओगे, इंटर करने की क्षमता अगर आपके अंदर है चीज़ों को इजीली टैकल कर लेंगे हम लोग। देखो एक कह रहा है डबल बेड, हम तो सिंगल है डबल बेड क्या करेंगे, चलो फिर भी खरीद लेते हैं। एक डबल बेड की कीमत जो है ना 7,500 रुपये अंकित की गई, दुकानदार उस पर 8%, 5% और 2% की अनुक्रमिक छूट देता है, तो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज़ बताओ। देखो किसी भी चीज़ पे लगातार जब सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे होते हैं ना, तो फिर क्या करेंगे, मान लो हमने मार्क किया हो कितना भैया उसको 7500 में, अब उस पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एकदम गिर गए हैं, एकदम होता है ना कि एकदम ले ले माई बाप ले 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 कैसे भी खरीद ले, समझ गया ना। जैसे आजकल यूट्यूब पे आता है ना जोमेटो स्विगी इतना परसेंट डिस्काउंट, कैसे भी तू ले ले, दिन भर ऐड दिखाते रहते हैं, हमारा ले ले, वो कहेगा स्विगी वाला कहेगा हमसे ले लो हमने इतना डिस्काउंट दिया, उससे भी पेट नहीं भरेगा, तो ये लोग मेलों भेजने लगता है। अगर गलती से एक बार जोमेटो स्विगी की ऐप डाउनलोड कर लिए, जहां मेल से आपने लॉगिन करके कुछ खरीदा चाहे नहीं खरीदा, रोज एक मेल तो भेजिए देंगे वो लोग फोटो के साथ कि तुम्हारे जीप से लाट टपकेगा और तुम कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लोगे, ये बहुत नल्लापन ये सब होता है, ठीक है। कभी कभार उधार भी दे दिया करो तब मजा आए ना खाने में, मैं पूरे महीने उधार खाऊं, ठीक है, पैसा मांगेंगे तो कहेंगे मेरे पास तो है ही नहीं है। ये देखो 7500 है, इस पे पहली बार कह रहे हैं 8% का डिस्काउंट देंगे, जब 8% का डिस्काउंट देंगे तो कितने पे बेचेंगे, जब हमने 100 को एक वैल्यू माना और 8% डिस्काउंट दे दिया तो 92% पे सेल कर रहे होंगे हम, चीज़ें समझ गए। वहीं पे फिर जब सेकंड टाइम पे 100 को हमने परसेंट माना और 5% डिस्काउंट दिया तो 95% पे चीज़ों को बेच रहे हम, फिर हमने 100 को परसेंट माना और 2% का डिस्काउंट दिया तो 2% घटाओगे तो 98% पे चीज़ों को बेच रहे हम, देन ये 0000 कट जाना है, तो 25 से 3 बार में कटेगा और ये 25 से 4 बार में कट जाना है, ठीक है। और है कोई कट जाए 4 से, है कोई माइकल लाल जो कट के दिखा दे 4 से इधर, हाँ 92 है। देखो ये कटेगा कितने में, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, 23 बार में कटेगा। अब इस 100 का क्या करे भाई, तो 100 का रहन दो, देख लेंगे बाद में, 3 × 23 95 और 98/100, इनको थोड़ा सा इतना बड़ा सा है ना, मेरे बस की नहीं है कि बिना रफ किए इसको कर ले, माइंड में इतना बड़ा नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, 3 × 28 = 95 और हो जाएगा 98, तो हो जाएगा 64, अच्छा मल्टीप्लाई करना था ना, बाई मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 622 आ रहा है समथिंग इसका, ठीक है, 642 390 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन में है क्या 642 390, हाँ सी के अंदर है, क्योंकि 100 से भी डिवाइड भी तो करना है ना, 642 390 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 64239.90 आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो गया, एग्ज़ाम में ऐसा देंगे तो फिर कैसे करेंगे, ये चीज़ प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में ऐसा देंगे तो सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है, बस सॉल्व करना है। या फिर 2 से कटाते ना, तो 2 से 50 को कटाते, ये कटाते, थोड़ा और लेंदी होता है, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, एक दो सवाल तो ऐसे मिलेंगे ही आपको तनकी टाइप के। बाकी कमेंट करके बताओ 10 में से कितने आपने सही किए, और सारे PDFs को बाय करने के लिए WhatsApp करो 7279047787, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एटीजेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, अपना अपना खुद का चैनल क्या कहते हैं ना, समझ कर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन हाँ खुद का समझ के WhatsApp पे फ्री में PDF मत मांगना, बहुत दुख होने लगता है फिर, वैसे WhatsApp करके बाय करना सिंसियर स्टूडेंट की तरह, मजाक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।